हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत एंड गाइज, आज मैं एक और नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है डिलेक्टेबल लौकी का हलवा। ये हलवा बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय फ्यूचर अपलोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लौकी को वॉश करके उसे पील कर लेना है और उसके बाद उसे ग्रेटर की हेल्प से आपने ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका बीच में सॉफ्ट पार्ट होता है सीड्स का, उसे इंक्लूड नहीं करना है। लौकी को ग्रेट करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि लौकी जो है टेस्ट में बिटर तो नहीं है। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे आमंड्स और उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का जो भी आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें रेजिन्स भी रोस्ट कर लूँगी स्लो फ्लेम के ऊपर जब तक कि वो पफ अप ना हो जाए, और इसे रिमूव करके साइड में रख लेंगे। सेम पैन में हम 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे ग्रेटेड घिया लौकी और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क और अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक के पकने देंगे जब तक कि मिल्क जो है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो अच्छे से इवेपोरेट ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मेलन सीड्स, डेसिकेटेड कोकोनट, रोस्टेड आमंड एंड रेजिन्स। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे ऐड करने से हलवे काफ़ी रिच हो जाएगा और उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे खोए का यूज़ भी कर सकते हैं। लास्टली इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड ग्रीन कार्डेमम और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हलवा बनकर तैयार है। गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लौकी के हलवे को मैंने सर्व कर दिया और इसे गार्निश किया है मैंने रोस्टेड आमंड्स, रेजिन्स एंड डेसिकेटेड से। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अपना फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।